एक महिला एक व्यापारी के लिए काम किया करती थी जो एक पहाड़ी की चोटी पर रहती थी। उसे एक गरे से पानी इकट्ठा करने के लिए हर दिन पहाड़ी के नीचे जाना पड़ता था। उसके पास पानी ले जाने के लिए दो बर्तन थे जिसे वो एक खंभे पर लटकाकर अपने कांधे पर ले जाती थी। बर्तनों में से एक में एक दरार थी लेकिन उसका इस्तेमाल वो फिर भी करती थी। दोनों बर्तनों में पानी भरकर उन्हें वो पहाड़ के ऊपर ले जाती। जब तक वो घर पहुंचती, फटा हुआ बर्तन केवल आधा भरा हुआ रहता। जब फटा हुआ बर्तन दूसरे बर्तन में ऊपर से भरा पानी देखता तब वो फटा हुआ बर्तन दुखी हो जाता। ऐसा ही कुछ सालों तक चलता रहा। कुछ सालों के बाद फटा हुआ बर्तन महिला से बोला, मैं अपने दोषों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं पानी का आधा भाग गिराता हूँ। मैं अच्छा नहीं हूँ। महिला ने जवाब दिया, जब हम पानी लेकर ऊपर जाएंगे तब तुम अपने रास्ते को गौर से देखना। अगली बार बर्तन ने ध्यान से पहाड़ी के ऊपर का रास्ता देखा। तब उसने देखा कि उसके तरफ का रास्ता फूलों से भरा हुआ था जबकि रास्ते के दूसरे तरफ एक भी फूल नहीं थे, पूरा सूखा हुआ था। महिला ने कहा कि मैं हमेशा आपकी दरार के बारे में जानती थी और मैंने इसका फायदा रास्तों के फूलों को पानी देने के लिए किया। तुम्हारे बिना ये रास्ते बस रास्ते ही रहते। आज तुम्हारे ही कारण ये फूल खिल रहे हैं। हमें से हर एक यूनिक और हर किसी में दोष होते हैं। यह हमारी छोटी छोटी बातें और दोष हैं जो हमें और दुनिया को इतना दिलचस्प बनाते हैं। महिला ने दरार वाले बर्तन से कहा, मुझे तुम्हारी खामियों में सुंदरता नजर आती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।